नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आने वाले 24 घंटों का मौसम कैसा रहेगा, मौसम का पूर्वानुमान क्या है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तटीय आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है और औसत समुद्र तल से 5.8 तक फैला हुआ है। वहीं एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रेफ रेखा पश्चिम मध्य प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से बिहार तक फैली हुई है। एक और ट्रेफ रेखा बिहार से उड़ीसा जा रही है। वहीं 16 मई से पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश और कई राज्यों में तेज आंधी होगी। उसकी पूरी जानकारी बताएंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हो। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के हिस्सों और दिल्ली के भागों में और साथ ही साथ पंजाब के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं दोस्तों, तमिलनाडु, रायलसीमा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ के एक दो हिस्सों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की अपडेट के अनुसार माने तो 16 मई के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्लीवासियों को इस गर्मी से राहत मिल सकती है और भारी बारिश और उसके साथ साथ तेज आंधी की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तेज धूल भरी आंधियां चल सकती है और औसतन तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर सकता है। वहीं दोस्तों, मौसम विभाग की अपडेट के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में लू की स्थिति बनी रहेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।